हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, एन आर आप, मैं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक ऐसा छोटा सा एक्शन कैम आया है जिसके बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, और वो एक्शन कैम है दोस्तों एसजे कैम का मिनी एक्शन कैमरा है, ये C200। ये कैमरा तकरीबन मेरे पास 15 से 20 दिन हो गए होंगे और 15 से 20 दिन पहले से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक 4K एक्शन कैमरा है और दिखने में बहुत ही सॉलिड, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर मैं इसके प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो आपके बजट में है, तो अगर आप एक बजट में एक एक्शन कैमरा ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले इसका डिटेल देखते हैं कि ये एक 4K कैमरा है, ये 24fps तक शूट कर सकता है और 1080p में 60fps तक शूट कर सकता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जायरोस्कोपिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, जिसके कारण अगर आप चल रहे हैं या आप सिंपली वॉक कर रहे हैं और आप हैंडहेल्ड कैमरे को रख रहे हैं, आपको किसी गिम्बल की ज़रूरत नहीं है। विदाउट गिम्बल एक काफ़ी अच्छा जो है जर्क फ्री वीडियो आपको देता है। तीसरी चीज़, ये अंडर वाटर शूट कर सकता है 5 मीटर तक, 5 मीटर तक ही अंडर वाटर शूट कर सकता है। अंडर वाटर शूट करने के लिए आपको इसका ये अंडर वाटर केस इसके साथ जो आता है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा ये पोर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लिटरली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आइए बिना लेट किए देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बॉक्स कंटेंट देखते हैं और बॉक्स कंटेंट देखने के ठीक बाद हम इसका पूरा डिटेल रिव्यू देखेंगे। इसमें मैंने सारा कुछ लिया हुआ है कि अगर आप इसका स्टेबलाइजेशन देखना चाहते हैं तो भी मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, अंडर वाटर टेस्ट किया हुआ है। तो सारा वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कैमरा आपको कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक बॉक्स एसजे कैम मिनी एक्शन कैमरा C200 का। इसके साथ यहाँ पे कुछ स्टिकर्स आते हैं जिनको आप कार में या बाइक में माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये माउंट आता है जिसको आप कार या बाइक में इजीली माउंट कर सकते हैं। एक क्लीनिंग क्लॉथ आता है। इसके अलावा एक अंडर वाटर किट आता है जिसमें आप कैमरे को डाल के 5 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। ये एक क्लैंप आता है जिसको आप शर्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने शर्ट में या अपने जहां पर भी आप चाहें तो बैग में इसको माउंट या हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपल ये क्लिप हो जाता है और कैमरा इसमें अटैच हो जाता है सिंपली। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कि ये सारी एक्सेसरीज हर कैमरे के साथ आए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये भी इसका एक छोटा सा क्लिप है। एंड दोस्तों, ये है फाइनली कैमरा जिसका लुक काफ़ी काफ़ी अच्छा है, और लुक के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने ये यूज़ करके देखा हुआ है। जस्ट आप अभी इसका पूरा सैंपल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बढ़िया इसका जो रिज़ल्ट है अंडर वाटर से लेके हर एक चीज़ में। तो आइए देखते हैं फटाफट इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो दोस्तों, अभी मैंने लगाया हुआ है एसजे कैम C200 को, यहाँ पे कार में माउंट किया हुआ है, और अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइम लैप्स और मोशन लैप्स के शॉट लूँगा। देखते हैं कि इसका टाइम लैप्स एंड मोशन लैप्स का शॉट कैसा आता है। इसके लिए मैंने इसको टाइम लैप्स वाले ऑप्शन पे सेट किया हुआ है और इसको जस्ट मैं सिंपली यहाँ से एक लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ। 3 सेकेंड प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एसजे कैम ऑन हो गया है। यहाँ पर मैंने मोशन लैप्स का ऑप्शन दे दिया है और जस्ट मैं यहां से रिकॉर्ड बटन को क्लिक करूंगा। तो यहां पे ये रिकॉर्ड बटन है, ये मैंने ऐसा रिकॉर्ड बटन क्लिक किया, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब कुछ दूर चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो मोशन लैप्स है वो कैसा दिखाई देता है। तो भाई, यहां पे ना हमने टेस्ट कर लिया है कि किस तरीके से इसमें हम टाइम लैप्स वगैरह शूट करते हैं। इसको मैं अभी यहां से जस्ट ऑफ कर देता हूं। यहाँ पे ये टाइम लैप्स मेरा हो गया है ऑफ। अब इसमें मैं टेस्ट करूँगा कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है, और इसके लिए मुझे इसमें इस वाले कैमरे को जस्ट मैं यहाँ से निकालता हूँ और इसको इस तरीके से इस तरफ से लगा देता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे को इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। टाइम लैप्स से मैं नॉर्मल वीडियो में इसको ले आता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, अब इसकी फेस क्वालिटी, यानी कि मुझे अपने फेस का शूट करना है यहाँ पर, कि अगर आप कभी व्लॉगिंग कर रहे हो या आप कहीं जा रहे हो तब आपको किस तरीके से इसका क्वालिटी आता है, या आप इसमें किस तरीके से बात कर सकते हैं, आप अपने अपने वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे इसका वीडियो टेस्ट कर रहा हूँ और एक बार चेक करते हैं कि इसका वीडियो कैसा आता है। मुझे सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो है रिकॉर्ड जब होता है तो यहाँ पे ब्लिंक करने लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जस्ट मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ से रिकॉर्डिंग अगर ऑन है
तो ये यहाँ से ऐसा ब्लिंक करेगा, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब सिंपली हम एक बार इधर टर्न करते हैं, रिटर्न चलते हैं, और रिटर्न चलते चलते मैं इसमें कुछ बातें करता चलूँगा। आप यहाँ से फुटेज देख पा रहे होंगे, तो अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं उस पर्पज़ से भी ना, कई बार आपको छोटे छोटे जो कैमरे होते हैं वो बहुत काम आते हैं अलग अलग एंगल के लिए। सपोज़ आप वेडिंग वगैरह शूट कर रहे हों और आपका कोई विदाई वगैरह का सीन है, तो उससे आप इसको बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं अगर इसकी क्वालिटी अच्छी आती है तो। मे बी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, मैं अभी यहाँ पर देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी क्वालिटी रियल में काफ़ी ठीक ठाक होगी। आप देख रहे होंगे, अभी आपको आउटपुट दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसमें शूट कर सकते हैं कोई भी वीडियो, कोई भी फ़ोटो, टाइम लैप्स एंड ऑल कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, दिखने में काफ़ी अच्छा है इसका लुक, तो लुक वाइज तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। अब अगर मैं बात करूँ इसके क्वालिटी की, तो इसको मैं फ्रंट कर देता हूँ ताकि फ्रंट का व्यू भी दिख जाए। तो जस्ट सिंपली मुझे इसको यहाँ से ईजी है बहुत, और ये मैंने इसको ऐसा लगा दिया ताकि अब सामने का जो व्यू है मेरा वो मैं देख सकूं। तो यहाँ से सामने का व्यू भी अब आपको दिख रहा होगा। रिकॉर्डिंग अभी इसमें ऑन है, ये काफ़ी सुंदर सा लोकेशन है इसलिए मैंने इसका फ्रंट व्यू ले लिया है। तो फेस व्यू आपने देखा, इसकी क्वालिटी कैसी है आपने देखी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका अगर आप एम्बियंस को शूट करते हैं तो कैसा आता है, मे बी काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। यहाँ पे आज का जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज सुबह सुबह इसका रिव्यू शूट किया जाए। ये जो कैमरा है ये काफ़ी दिनों से है मेरे पास, और मैं इसको अभी जस्ट एक हफ्ते पहले से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है इस कैमरे के साथ। तो अगर आपका बजट कम है और अगर आप कोई ऐसा कैमरा खोज रहे हैं जो कि आपके बजट में भी हो और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, तो आई थिंक ये कैमरा आपके लिए हो सकता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी फुटेज एंड ऑल कुछ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। तो गाइज यहाँ पे अब मैं एक बार इसका टेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं या अगर आप सिंपली चल रहे हैं, तो इस पर जो जायरोस्कोपिक सेंसर लगा हुआ है जिसके थ्रू ये काफ़ी हद तक आपके जर्व को मैनेज करता है, तो उसको मैं एक बार टेस्ट करूँगा। मेरे सामने यहाँ पे साहू जी हैं जो गिम्बल में मेरा शूट कर रहे हैं, मैं सिंपली इनका ही शूट करूँगा चलते चलते। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा तेज़ चलो, थोड़ा तेज़ पीछे जाओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल सिंपल वे पे चल रहा हूँ, मेरा किसी भी प्रकार का कोई मैं जो शूट कर रहा हूँ जिस तरीके से वो बिल्कुल नॉर्मल वे पे शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से जो है, अगर आप चलते चलते शूट कर रहे हों या अगर आप इस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहे हों और अगर आप चलते चलते कोई शॉट ले रहे होंगे तो आपका इस तरीके से लुक आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका वीडियो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत नॉर्मल वे पे मैं यहाँ पे वॉकिंग कर रहा हूँ और इस तरीके से आप आसानी से शूट कर सकते हैं। तो इसका जो टेस्टिंग है, आपको इसका जो वीडियो है वो आई थिंक दिख रहा होगा। तो मैं बहुत सिंपल वे पे यहाँ पे ऐसा इस तरीके से चल रहा हूँ, तो इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हमने टेस्ट किया था SJ Cam को, SJ Cam की क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को, इसके जायरोस्कोप को, और अब हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसके अंडरवाटर को। अंडरवाटर में ये 5 मीटर तक का अंडरवाटर शूट कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास अंडरवाटर के लिए मेरा एक्वेरियम है, लेकिन अंडरवाटर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके का एक केस आपको मिलता है इसमें, ये अंडरवाटर केस में आपको इसको फिट करना है। तो यहाँ से मैं इसको फिट कर रहा हूँ, सिंपली इसको इस तरीके से फिट करेंगे, और इसको यहाँ से फिट करने के बाद देखिए काफ़ी ईजी है इसमें, और यहाँ से मैं इसको ऐसा प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ना रबर लगा हुआ है, ये पूरा रबर कोटेड है बहुत अच्छे से, इसलिए यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का पानी नहीं जाएगा ऐसा मुझे लगता है। एक बार जस्ट इसको हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये कितना सही है या कितना गलत है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से फिट कर देते हैं, ये टाइट के तरीके से बिल्कुल फिट हो गया। अब अच्छी बात यह है कि अगर आप अंडर वाटर शूट कर भी रहे हैं तो आप इसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डिस्प्ले दिख रहा है और यहाँ से बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से बटन को, जैसे मुझे इसको ऑन करना है तो मैं सिंपली इसको यहाँ से प्रेस करके रखूँगा, लॉन्ग प्रेस करके, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि अब ये मेरा SJ Cam जो है वो स्टार्ट हो गया है, और मेरे को ऑन ऑफ जो करना है यहीं से करना है, यहीं से मेरे को रिकॉर्डिंग ऑन करना है। तो मैं अब जा रहा हूँ अपने एक्वेरियम में, वहाँ पे मैं इसको एक बार स्टार्ट करके देखूँगा, एक बार इसमें से टेस्ट करूँगा कि इसकी क्वालिटी अंडर वाटर में कैसी है।
तो दोस्तों आइए एक बार चेक करते हैं इसकी सेटिंग एंड ऑल कुछ। तो देखने में ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें दो बटन दिए हुए हैं। टच स्क्रीन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे टच स्क्रीन नहीं है इस कैमरे में। और ऑन करने के लिए आपको ये वाला जो बटन है इसको कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखना होता है। आप इसको 3 सेकंड तक प्रेस रखते हैं तो ये कैमरा इस तरीके से ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद यहाँ से डिस्प्ले आपको दिखाई दे देगा। अब इसके अंदर की कुछ सेटिंग्स है, जब भी आपको इसमें मेमोरी कार्ड यूज़ करना है तो मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करके यूज़ करना है। यहाँ से अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे इस तरीके से, देखिए मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेटिंग आ जाता है। सेटिंग के बाद यहाँ से ये इंटर बटन है, इसी को प्रेस करने के बाद आपका इंटर होता है हर एक मेन्यू में। तो मैं इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे रिजोल्यूशन दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ रिजोल्यूशन पे जाके इस तरीके से आप इसको 4K पे सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको बैक कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ से आप अलग अलग रिजोल्यूशन पे सेट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 1920x1080 और 60 फ्रेम पे सेट कर देता हूँ। यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं, इस वाले बटन से आपको नीचे आना है, इस वाले बटन से ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए लूप रिकॉर्डिंग है, डैश कैम है, वीडियो लैप्स है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो लैप्स भी बनाया था। और यहाँ से आप स्लो मोशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जायरो सेंसर है, जायरो सेंसर आपको ऑन करना होता है। तो यहाँ से आप इसको मैंने ऑन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ से आप दूसरे मेन्यू में जा सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, ये वीडियो था, ये अभी मैं फ़ोटो वाले मोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे फेस डिटेक्शन, इमेज साइज़ है ना, सेल्फी टाइमर, सेल्फ टाइमर वगैरह आप दे सकते हैं, फोटो लैप्स भी कर सकते हैं, ब्रश मोड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी सेटिंग है, सेटिंग में आप इसको फास्ट बूट, रोटेट, स्क्रीन सेवर मोड पर डाल सकते हैं। एक मिनट के बाद यहाँ पर मैंने स्क्रीन सेवर मोड सेट किया हुआ है। और यहाँ से आप कैमरे को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो याद रखें जब भी आप नया मेमोरी कार्ड यूज़ करेंगे तो कई बार ये एरर शो करता है, आपको पहले मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना है और उसके बाद ही मेमोरी कार्ड आपको यूज़ करना है। तो ये है इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो मैंने यहाँ से मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट किया था और उसके बाद यूज़ किया था। एंड यहाँ से प्रेस ओके टू एग्जिट है, अगर आपको एग्जिट करना है तो यहाँ से आप सिंपली एग्जिट कर सकते हैं। और इस तरीके से देखें आपका कैमरा बिल्कुल रेडी है। तो ये बड़ा ही इफेक्टिव और बहुत ही प्यारा कैमरा मुझे लगा है। और यहाँ पे सारा डिटेल तो आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो कैमरा है ये काफ़ी इफेक्टिव लगा होगा, मुझे ये कैमरा बहुत अच्छा लगा। अब अगर इसके प्राइस सेगमेंट की मैं बात करता हूँ तो इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो इसमें जो बैटरी है थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो और भी बढ़िया था। हालांकि आप इसको कंटिन्यूसली चार्ज कर सकते हैं सी टाइप केबल से, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बैटरी थोड़ी और ज़्यादा होती तो और कमाल का ये हो जाता। तो ओवरऑल ये जो एसजे कैम है, ये अगर बजट कैमरा आप ढूंढ रहे हैं, एक बजट एक्शन कैमरा और एक इस तरीके का कैमरा अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस कैमरे का और भी डिटेल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे इसका लिंक वगैरह सारा दिया हुआ है, वहाँ से आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं या आप SJKM की वेबसाइट में जाकर के भी इसका सारा डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।